चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता हो गई लागू। चुनाव में पक्षपात या किसी धांधली से बचने के लिए लगाई जाती है आचार संहिता। आचार संहिता का पालन करना चुनाव में हर राजनीतिक दल और प्रत्याशी के लिए होता है जरूरी। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी योजना की घोषणा या फिर शिलान्यास नहीं किए जा सकते। कोई भी नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का नहीं कर सकेगा इस्तेमाल। आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल विधानसभा चुनावों से हुई थी। नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही कई चीजों पर रोक लग गई है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक जैसा समूह है, जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू माना जाता है और ये चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। आदर्श आचार संहिता निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान की गतिविधियों और सत्ताधारी दल के कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या उम्मीदवार के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करने की अनुमति रहती है। इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से ना जोड़ा जाए। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।